हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि 1991 में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके से खुल गई थी, किस तरीके से नए रिफॉर्म्स आए थे और उसके बाद इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला कि जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो एक कर्ज के आड़े दबी हुई थी उसमें एक बहुत बड़े बदलाव के बाद एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। अगर मैं इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो देखिए, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, वो तीन हिस्सों में बटी हुई है। अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात करूं तो जैसे देखिए, पहला तो पार्ट है हमारा 1947 यानी देश से आजादी से पहले की ब्रिटिश पॉलिसीज कैसी थी। फिर 1947 से लेकर 1991 तक के बीच में यानी कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी क्या सोशलिस्ट की एक ऐसी सोच थी जिससे वो कंट्री चली 47 से 91 तक। उसके बाद 91 से लेकर आज तक का इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो इन तीन हिस्सों में इकोनॉमी बटी हुई है। तो हम लोग थोड़ा सा आजादी के बाद किस तरीके की परिस्थितियां बदली, कैसे कैसे पॉलिसीज आई, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे और फिर उसके बाद कैसे हमारा देश एक कर्जे की आड़ में डूब गया जिसमें करीब 47 टन गोल्ड को जो है बाहर के देशों में हमें कर्ज लेना पड़ा था उसको गिरवी रख के। तो उसी के बारे में मैं आज थोड़ा इस वीडियो में बात करूंगा और बताएंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म आया और कैसे आया और किस तरीके से वो बजट लाया गया जिसमें बहुत बड़ा रोल था हमारे देश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस दौरान देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। सबसे पहली बात तो क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, बेसिकली था क्या, तो वो मैं तीन टर्म्स के बारे में बता दूं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। अब ये टर्म्स होते क्या है, उससे पहले मैं यहां पर एक थोड़ा सा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। देखिए, इकोनॉमी ना दरअसल दो तरीके पे वर्क करती है, एक होती है हमारी ओपन इकोनॉमी, एक होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें हमारे देश में अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है, वो हमारे जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो वो ट्रेड सिर्फ हमारे इंडिया के ही दायरे में रहेगा, हमारा कोई बाहर की कंट्री से कोई लेना देना नहीं होगा। और ओपन इकोनॉमी की बात करूं तो ओपन इकोनॉमी वो हो जाती है जब हमारी इकोनॉमी खुल जाएगी और वो बाहर की कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करेगी और एक बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमारी कंट्री में पहले भी चल रहा था, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की क्या जरूरत थी। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये जो तीन टर्म्स है, वैसे पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है ये। तो पहले बात करूं प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो हमारा देश क्या था, एक सोशलिस्ट देश था। सोशलिस्ट यानी कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करता था, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी कंपनी चल रही है, उनका होल्ड सरकार के हाथ में था। अब सरकार के हाथ में था तो फिर लिबरलाइजेशन भी आया, यानी कि फिर लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, टैरिफ्स, टैक्स, वो सारी चीजों पे एक रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। और तीसरा था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में ग्लोब आपको वर्ड सुनाई दे रहा होगा, तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरा का पूरा ट्रेड पूरे वर्ल्ड लेवल में चलेगा, हम लोग इंटरलिंक्ड हो जाएंगे और इकोनॉमी को एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल और आसान भाषा में समझाऊंगे, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं या आप किसी भी इंडिया के एक स्टेट में रहते हैं, तो आप मान लीजिए आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के दायरे में ही आप सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया कि आप उसी के दायरे में चला रहे हैं, लेकिन उसी बिजनेस को आप अपने मतलब अपने स्टेट से हर एक स्टेट में जाएंगे, फिर आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यूपी से आप है हरियाणा, पंजाब, हर स्टेट से आप बिजनेस करने लगेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है थोड़ा ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन आप पूरे नेशनल लेवल पे कर रहे हो, आप उसी ठीक उसी तरीके से आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, फिर आप हर एक कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये आया कैपिटलिज्म वर्ल्ड, तो बेसिकली हम लोगों ने कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया। अब यहां पे सवाल आता है कि हमारा देश जो है वो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का देश था, ठीक है ना, तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन हमने शुरुआत सोशलिज्म से करी थी। इस बात को लेकर काफी सारे लोगों के तर्क रहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में एक बहुत बड़ा फेलियर रहा था। काफी सारे लोगों का ये क्लेम करना होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आइडियोलॉजी लेकर आए थे वो देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए सही नहीं था। तो देखिए, उसके बारे में मैं अगर यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूं, जब इस देश की भागदौड़ कांग्रेस के हाथों में दी गई थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था,
तो आप एक बार इस चीज को सोच कर देखिए कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कितनी लचर अव्यवस्था थी। हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ था, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें हमारे देश में देखने को मिल रही थी। और एक ऐसा देश जिसमें मल्टीपल कल्चर थे, मल्टीपल ट्रेडिशन थे, मल्टीपल रिलीजन थे, मल्टीपल लैंग्वेजेस थे, एक हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री था। उस देश को संभालना और उस देश को मतलब गुलामी से पहले तो आजाद कराया, फिर उसके बाद अगर हम उस देश को कहीं ना कहीं मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन मतलब या मेरा पर्सनल अपना एनालिसिस कहता है कि अगर उस दौरान हमारा देश कैपिटलिज्म की तरफ मूव करता तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब बन के रह जाता। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोग जब कैपिटलिज्म पढ़ते हैं तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, अगर कैपिटलिज्म पूंजीवाद की तरफ अगर हम लोग चले गए होते तो हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना कि एक वेल्थ क्रिएटेड डिवाइड देखने को मिलता है। जो पूंजीवाद है सिर्फ वही उभरता, जो गरीब तबका है वो नहीं उभर पाता कभी भी, क्योंकि हमारे देश में गरीबी स्तर बहुत ज्यादा था, बेरोजगारी स्तर बहुत ज्यादा था, तो उसको कहीं ना कहीं सर करने के लिए, भुखमरी बहुत ज्यादा थी, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लाना बहुत सही था। तो ये कह देना कि उस जमाने के प्रधानमंत्री ने कुछ निर्णय सही नहीं लिए थे, तो देखिए ऐसे देश की भागदौड़ को आप संभाल रहे हैं। हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ, उसके बाद उस देश की भागदौड़ दी गई पहले प्रधानमंत्री को, तो उस इंसान के लेवल का, उस इंसान के स्ट्रेस लेवल का एक बार आप पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि कैसे देश चलाया जाएगा। तो कभी भी ये कह देना कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, मेरा ये मानना है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब इस देश को चलाया था तो उसकी जो उनकी जो पॉलिसीज रही होंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे प्लानिंग कमीशन की मैं बात करूं तो जो 5 ईयर प्लान्स आए थे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सही साबित हुई थी, इसलिए आज हम यहां तक पहुंचे हैं। हर चीज का एक सही समय होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया उसका एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया उसका एक सही समय था आने का, जो 91 में हमें देखने को मिला। तो इसीलिए हमारा देश जब सोशलिज्म से शुरुआत हुई और किस तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ वो मूव करा, तो उसके मूवमेंट से या उसकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई थी। पार्टीशन के बाद हमारे देश को ज्यादा जरूरत थी गरीबी से बचाना, भुखमरी से बचाना। जैसे 1960 में हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिला था जो भुखमरी को कहीं ना कहीं उसने खत्म किया था, ज्यादा अनाज की पैदावार करना। ठीक है, आप एक सोच के देखिए, घर है, अगर उस घर के लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी होगी तो आप बड़ी चीजों के लिए उनको, अगर आप मान लीजिए कि इंसान है, अगर वो घर में रह रहा है, उसको आप एंड्रॉइड फोन दे देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो एक कैपिटलिज्म वर्ल्ड से आता है, लेकिन क्या आप उसको खाना नहीं 10 दिन तक, तो क्या इंसान वो सर्वाइव कर सकता है? एक घर रहते हुए घर इंसान में पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पानी, खाना, कपड़ा, ये होती है, उसके बाद ही तो वो इंसान का शरीर काम करेगा कुछ करने के लिए। तो ठीक वैसा ही था जब हमारा नया इंडिया बना था, हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, तो इसीलिए सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करना बहुत जरूरी था हमारे देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को कहीं ना कहीं हटाने के लिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं तक हम लोग ठीक साबित हुए। लेकिन अब बात करूं कि अगर ये सारी चीजें ठीक थी तो 91 का रिफॉर्म जो आया जिसकी वजह से हमारा देश कर्जे में डूब गया, उसके क्या कारण थे? तो उन सारे कारणों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल वो हमारे सोशलिज्म की प्रॉब्लम नहीं थी, वो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे देश में कंसिस्टेंटली वॉर देखने को मिले थे, जैसे कि इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, जो खालिस्तानी मूवमेंट चला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें और बढ़ती जनसंख्या को लेके जो एक उसमें स्टेप लिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में, तो क्या हुआ था ना कि जैसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, फिर उनकी डेथ के बाद जो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स थी ना वो भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गई थी, और फिर करप्शन बढ़ गया, तो इन सारी चीजों की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा था। अब क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म और कैसे कैसे आया, अब चलिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैंने स्टार्टिंग में सारी चीजें बताई, कहीं ना कहीं जानना जरूरी था एक बेसिक स्ट्रक्चर को कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आने का कारण क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दूं, पहले हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मैंने मेंशन किया कि 1947 में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश में लेकर आए थे। सोवियत यूनियन यानी कि जो रशिया है वो सोशलिज्म को फॉलो करता है। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने सोशलिज्म, कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं चाहूंगा इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे कि व्हाट इज सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें चंद्रशेखर जो हमारे उस देश जमाने के प्राइम मिनिस्टर थे। अब होता क्या है, देखिए
देश जो है बहुत ही ज्यादा अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बेरोजगारी ज्यादा थी, गरीबी भी उस दौरान फिर भी थी, मतलब जीडीपी ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं कम थी। तो हुआ क्या था कि आरबीआई ने सजेस्ट किया कि आरबीआई को अपने देश का जो गोल्ड रिजर्व होता है वो बाहर की कंट्रियों में गिरवी रख के पैसा लेना चाहिए था। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय था। आप सोच के देखिए, इतना सारा गोल्ड अगर हम बाहर दे देंगे तो हमारी कंट्री में बचेगा क्या? तो इसके चलते हुए आरबीआई का जो सजेशन था उसको मानना और एट द लास्ट इस देश के पीएम के हाथ में था। लेकिन क्या हुआ था कि फिर सरकार गिर जाती है चंद्रशेखर की, जो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था। आगे क्या होता है फिर उसके बाद, हमारे जो अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो हमारे जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि कारण क्या थे इकोनॉमिक उसके आने के, जो फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए, इस वक्त तो सबसे बड़ा कारण था इंटरनल क्राइसिस। इंटरनल क्राइसिस यानी कि जैसे कि बेरोजगारी थी, गरीबी थी, ठीक है ना, जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं था, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रही थी। और इंडस्ट्री क्यों सेटअप नहीं हो पा रही थी अभी बताऊंगा आगे। लेकिन उससे पहले जो मेजर कारण था वो था कुवैत का गल्फ वार। ये गल्फ वार क्या था, देखिए आपको याद होगा 2 अगस्त 1990 में इराक के सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला कर दिया था, कुवैत को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था, जिसके चलते हुए जो गल्फ वॉर चला था, उस गल्फ वॉर में जो ऑयल प्रोडक्शन हो रही थी उस ऑयल के दाम बढ़ गए थे। अगर उस जमाने के ऑयल दामों की बात करूं तो 3 गुना दाम बढ़ गए थे ऑयल्स के, तो करीब 14 रुपए पेट्रोल हो गया था 5 रुपए के अराउंड। ये अप्रोक्सीमेट प्राइस बता रहा हूं आपको, 14 रुपए पेट्रोल 5 रुपए डीजल पहुंच गया था। आज के जमाने के मुकाबले बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन उस जमाने के मुकाबले बहुत ज्यादा था। ये प्रॉब्लम्स होती थी तो जहां सरकार इंडिया की 500 करोड़ खर्च कर रही थी पेट्रोल पे, वहां उनको खर्च कितना करना पड़ा, 1200 खर्च करना पड़ा। आप सोच के देखिए, 1200 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा अमाउंट हमें पेट्रोल पे खर्च करना पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कहां जाके फिर रुकेगी? तो पहला तो रीजन ये था। दूसरा रीजन था हमारा लाइसेंस राज। अब ये लाइसेंस राज क्या था, उस जमाने में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, तो सोशलिस्ट देश था, तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, चीनी खरीदने के लिए या कोई भी रिसोर्सेज को खरीदने के लिए। सरकार का एक बहुत ज्यादा कंट्रोल था हर एक चीज पर। अब यहां पे बात आती है कि सरकार का इतना ज्यादा कंट्रोल क्यों था इन चीजों पे। तो देखिए, दरअसल हुआ क्या था कि अगर हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो रशियन रिवॉल्यूशन में क्या था कि रशियन रिवॉल्यूशन में चीजों का जो कंट्रोल था वो क्या कहती है रशियन आइडियोलॉजी, वो कहती थी कि चीजों का जो कंट्रोल है वो लोगों में आपस में चीजें बंटनी है, तो उसका लेकिन कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। अब सरकार तो कंट्रोल दे देती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं करप्शन आ जाता है फिर उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने में। और दूसरी चीज यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को हमारा देश इमीडिएट फॉलो करने लग जाता, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजों को फॉलो करते, तो मेरा ये मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये सोचना था कि देश आजाद होके फिर हम लोग कहीं गुलामी की तरफ दोबारा ना बढ़ जाए, इसलिए वो बाहर की कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड और इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, ताकि फिर दोबारा से वही चीजें ना हो और फिर से हम लोग कहीं हमारी देश पे कहीं ना कहीं कॉलोनियल राज ना देखने को मिले, इसलिए कैपिटलिज्म से वो कहीं ना कहीं बचे। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आई, ये लाइसेंस राज ने जो था बेसिकली करप्शन आया जिसके चलते हुए सारी चीजें हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म खराब हुआ, बाकी उसके अलावा फिर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कार्सिटी ऑफ फूड, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। यहां पे फिर एक मुद्दा और आता है, जब ये गल्फ वॉर चल रहा था तो उसके चलते हुए क्या हुआ था, इंडिया ने यूएसए से हेल्प ली थी, आईएमएफ से लोन चाहिए था। आईएमएफ का होल्ड किस पे था, अमेरिका का। अमेरिका अपने आप में पूरा सुपर पावर था पूरे वर्ल्ड की। तो उस दौरान जब गल्फ वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने डिमांड करी थी कि उसके जो फाइटर जेट्स थे वो इंडिया में लैंड करेंगे पेट्रोल के लिए, मतलब फ्यूल के लिए। तो इंडिया मान नहीं रहा था क्योंकि उसके रिलेशन खराब होते गल्फ कंट्रीज से, लेकिन उसको मानना पड़ा अपने कंट्री के लिए लोन लेने के लिए। और फिर फाइनली करीब बात है ये 17 जनवरी को जब इंडिया को लोन मिल जाता है अमेरिका की तरफ से, फाइटर जेट जो इंडिया में लैंड करते हैं। तो ये तो स्थिति उस टाइम की 1991 में क्या स्थिति बनी देश की, किस तरीके से गरीबी की चपेट में आया था। गोल्ड जो था करीब 47 टन गोल्ड जो है बाहर के बैंक्स में फिर ट्रांसफर कर दिया गया, भेज दिया गया, पैसा लिया गया, क्योंकि इतने लोन से भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद चलते हुए क्या होता है देखिए, फिर उसके बाद 1991 का जब रिफॉर्म आता है, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो अपॉइंट करते हैं हमारे देश के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। और 24 जुलाई 1991 को जब बजट पेश होता है शाम को 5 बजे सदन में, पार्लियामेंट में, तो उसके बाद वो फिर सारी चीजें ये इम्प्लीमेंटेशन लेकर आते हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि जितनी भी प्राइवेट ओनरशिप थी वो सब लोगों को प्राइवेट कर दी गई। पहले क्या था, बिजनेस पे कंट्रोल था, सबको बोला गया कि अपने अपने बिजनेस खोलो, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए लाइसेंस राज को बंद कर दिया गया।
लिबरलाइजेशन यानी कि सरकार के जो बैरियर्स, जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनसे निजात पा लिया गया। मतलब सरकार से परमिशन लेंगे लेकिन सरकार का इंटरफेरेंस कम रहेगा, इकोनॉमी में सरकार का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर इम्पैक्ट क्या देखने को मिले वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन हमारे देश को जो गरीबी और कर्ज की चपेट से निकाला वो इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म ने निकाला। फिर उसी के चलते क्या होता है, क्लोज टू ओपन इकोनॉमी जो मैंने भी आप लोगों को बताया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई काफी सारी इंडस्ट्रीज में एक नई तरह की पॉलिसीज निकाली गई। जो लाइसेंस राज खत्म करा गया था उसमें प्रोडक्शन जो था ना, पहले क्या था कि प्रोडक्शन पे कंट्रोल थी, सरकार दाम भी प्रोडक्शन के यानी प्रोडक्ट के दाम भी सरकार ही सेट करेगी। यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार ने उन चीजों से भी निजात पाया, मतलब सरकार ने बोला कि खुद प्रोडक्शन करो जितना ज्यादा कर सकते हो, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा दो और जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा फिर बड़ी बड़ी एमएनसी सेटअप हुई, नए बैंक सेटअप हुए, मार्केट में क्या कहते हैं कंपटीशन देखने को मिला, इन्वेस्टमेंट हुई बड़ी बड़ी कंपनियों से इंडिया में। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप लोगों ने देखा होगा गुड़गांव, नोएडा और बैंगलोर जैसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आज जो सेटअप है ना वो इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आया होता तो आज भी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा तक हम लोगों को देखने को मिलती, तो इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से फिर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी और जीडीपी ग्रोथ इन सभी चीजों में हमें एक बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिली। मतलब बेरोजगारी कम हुई, गरीबी कम हुई, जीडीपी हमारे देश की बड़ी, लोगों को रोजगार मिला, और 1991 के रिफॉर्म के बाद जो गोल्ड था, हमने जो कर्ज ले रखा था वो गोल्ड भी हम अपने इंडिया का रिजर्व पे वापस लेकर आए, और इस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी एक बेहतर तरीके से 1991 के बाद एक नए इंडिया में तब्दील हुई, जिसको हम न्यू इंडिया कहा हम लोगों ने। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको 1991 के रिफॉर्म के बारे में एक शॉर्ट और एक क्रिस्प लेवल पे आप लोगों को सारी चीजें समझाई और बताई किस तरीके से ये हमारे देश में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने को मिला। तो यहीं पे आज मेरा टॉपिक होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी की कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएंगे, सारी बुक्स के लिंक अवेलेबल है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या यूपीएससी बुक्स हो, आप लिंक पे क्लिक करिए और अमेजोन से ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।